नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास जगह पे। लोकेशन का बात करूँ तो अमलीडीही के बीचों बीच ये हाउस आता है। अमलीडीही रोड से बिल्कुल 10 कदम की दूरी पर ये हाउस है। अगल बगल के पूरे हाउसेज सोल्ड आउट है, सिर्फ यही हाउस बचा हुआ है। 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है, टोटल कंस्ट्रक्शन 1800 स्क्वायर फीट है। उससे पहले पूरा वीडियो को देखें, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले, फिर वीडियो को पूरा देखना स्टार्ट। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। तो इंटीरियर का बात करा जाए तो फॉल सीलिंग आपको पोर्च से ही देखने मिल जाता है और स्टेयरकेस आप देख सकते बाहर से है। ऊपर फैमिली को दे सकते हैं या खुद के रहने के लिए तो बहुत ही शानदार है, नो डाउट। आप देख सकते हैं ऐसा घर मैं बहुत ही कम डालता हूं। और आप देख सकते हैं रायपुर में ऐसे घर डालने वाले बिल्कुल कम हैं और ना के बराबर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग एकदम प्रॉपर लगा है, ब्रांडेड लाइट्स का यूज़ किया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पोर्च एरिया है, काफ़ी बड़ा ये पोर्च एरिया है, पर्सनल बोर के साथ आता है। लोकेशन का बात अगर मैं करूँ तो लोकेशन आपको मिलता है अमलीडीही से बिल्कुल मेन रोड से बिल्कुल 10 कदम की दूरी पर है। और उसके अंदर एंटर करते ही आपको बड़ा पॉजिटिव फीलिंग आएगा, बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आएगा। आप देख सकते हैं अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और फॉल सीलिंग तो देखिए भाई साहब, मतलब मज़ा ही आ जाने वाला है आज। ये आपका फॉल सीलिंग है और नीचे का टाइल्स का बात करा जाए तो विट्रीफाइड टाइल्स के साथ में आपको काफ़ी ब्रांडेड सोमानी के टाइल्स लगे हुए मिल जाते हैं यहाँ पे। और फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, यहीं से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घर कितना बेहतरीन बना जा सकता है। 1000 स्क्वायर फीट का टोटल प्लॉट एरिया है जिसमें 1800 का कंस्ट्रक्शन है। टोटल कंस्ट्रक्शन ऊपर नीचे का बात करूं तो 1800 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है। ये बेडरूम आप देखिए, यहाँ पे जब बेड आप लगाएंगे तो कितना बेहतरीन दिख सकता है आपको ये अंदाज़ा भी नहीं होगा। बहुत ही प्यारा ये बेडरूम है। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी हेवी फॉल सीलिंग के साथ में ये काम हुआ। लोकेशन का बात करूँ तो बहुत ही नज़दीक है मार्केट से, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में आता है। और ये देख सकते हैं आपका वॉशरूम एरिया में। लाइटिंग्स का बात करूँ तो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब जितना बोलूँ कम पड़ जाएगा। और ये देख सकते हैं वॉश बेसिन है, वॉशरूम आप देख सकते हैं जितना प्यारा है ये वॉशरूम है। आपका दिल करेगा कि नहीं यार, मतलब घर हो तो ऐसा, वॉशरूम हो तो ऐसा। अपार्टमेंट से भी अच्छा वॉशरूम ये देते हैं, अपार्टमेंट को देना चाहिए इस तरह के वॉशरूम्स, लेकिन घर वाले दे रहे हैं इतने अच्छे वॉशरूम। आप देख सकते हैं प्राइस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं सर आप प्राइस नहीं बताते हैं। प्राइस मैं काफ़ी सारे वीडियोस में बताता हूँ और इवन मैं जो ओनर होता है उसका नंबर भी कभी कभी बीच में डाल देता हूँ मैं। और ये देख सकते हैं LED पैनल और यहाँ पे लगेगा। और अब चलते किचन के तरफ। किचन आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन किचन है, मतलब ऐसा किचन तो सच बता रहा हूँ मैं आज तक नहीं देखा हूँ। ऐसा बोलना गलत हो सकता है लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि किचन ऐसे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा किचन है ये। और यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग मिलता है, काफ़ी स्पेसियस ये किचन है। लोग बोलते हैं कि किचन स्पेसियस होना चाहिए, वाकई वो स्पेसियस ये किचन आपको देखने मिलेगा। और वॉश एरिया आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत अच्छा ये वॉश एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ फ्लावर प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और घर बनाओ तो ऐसे बनाओ, मतलब इस प्लान में घर को बनाना चाहिए। बहुत लोग मुझे ऐसे वीडियोस भेजते हैं सर ऐसा बन सकता है क्या, भाई साहब वो भूल जाओगे मतलब उस वीडियो को देखने के बाद। इसको देखिए बहुत ही प्यारा, इसको इतना क्रिएटिविटी लोगों में आता कहाँ से है कि कहीं भी कुछ भी बैठा देते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगने लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप भी देख रहे होंगे। और ये हो गया किचन, ये हो गया वॉशरूम, ये हो गया आपका फर्स्ट बेडरूम। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम को आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन है सेकेंड बेडरूम है। लाइटिंग आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, एक विला का फील दे रहा है, एक प्रीमियम विला का जो होता है वो ऐसा फील दे रहा है।
वॉलपेपर देख सकते हैं, हेवी वॉलपेपर्स यूज़ किए गए हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के वॉलपेपर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। लोग मुझे वीडियोस भेजा करते हैं, भैया ये हाउस आप बना के हमको दे सकते हैं क्या? भाई साहब इस हाउस को देखने के बाद उसके पूरे प्लान्स आप भूल जाओगे। और ये वॉशरूम देखिए, नीचे में आपको दो वॉशरूम मिलते हैं, एक फर्स्ट बेडरूम के साथ में वॉशरूम है और ये बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है आपका, मास्टर बेडरूम है भाई साहब, मतलब बहुत ही ब्रांडेड फिटिंग्स लगे हुए हैं। वॉशरूम हो तो सच में ऐसा हो, वरना मत हो। तो ये तो हमने देख लिया, दो बेडरूम नीचे, किचन, वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम, हॉल, बड़ा सा पोर्च। अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर में क्या-क्या चीजें दे रहे हैं। कुछ ऐसा नज़ारा ओहो दिखता है आपको बिल्कुल घर का, और ऐसे ही दिखना चाहिए घर, इसी तरह से बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से अगर एक नज़ारा ले तो बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है बाहर का। मेन चीज़ें जो है इस घर के वो है लोकेशन। रेट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया ये लोकेशन हो जाता है आपके लिए, और स्टेयर केस काफ़ी चौड़े स्टेयर केस हैं, वाइड एंगल लेंस से नहीं समझ आता है, लेकिन अगर आप एक बार विजिट करेंगे इस जगह पे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरा लेंस, और आप सामने से देखेंगे तो काफ़ी फर्क पड़ता है, सामने से देखेंगे तो काफ़ी चौड़े ये स्टेयरकेस लगेंगे आपको। और ये देख सकते हैं काफ़ी क्रिएटिविटी करने का प्रयास किया गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए फिर कैमरा भी सपोर्ट करने लगेगा, आईफोन की तैयारी है। और ये देख सकते हैं आपको मैं ऊपर में इस बेडरूम को दिखा रहा हूँ, ऊपर एक और बेडरूम है, नीचे दो बेडरूम आपने देखा हुआ है, वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़े विंडोज छोड़े गए हैं। अगर आपको ईएमआई में प्लॉट ही लेना है ना, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे घर लीजिए आप, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आप ईएमआई में बराबर मत करिए प्लॉट लेके। अगर आपके पास नकदी कुछ पैसा है, नगद रकम है, तो आप प्लॉट्स में जा सकते हैं, वरना आप अगर एंड यूज़र हैं तो बिल्कुल प्लॉट के चक्कर में ना रहिए, बिल्कुल घर लीजिए। ऐसा मैं अपने हर वीडियो में आपको और ये देख सकते सजेशन हैं, देता हूँ। आपको बहुत बड़ा स्पेस मिलता है यहाँ पे गार्डनिंग करने के लिए, और देख सकते हैं स्टोर रूम दिया गया है बगल में, बहुत ही अच्छा सजाने की कोशिश में है घर को। अगल बगल के घर पूरे बुक हैं, यही घर बस बचा है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये यूनिट है। और ये झूला आप देखिए, ये झूला भी आपको इसके साथ में फ्री मिलेगा, बहुत बड़ा स्पेस है। वॉशरूम आप देख सकते हैं ऊपर में, आप किसी को रेंट में भी दे सकते हैं, रेंट के लिए भी मारा मारी है इस जगह पे, रेंट नहीं मिल रहा है और काफ़ी अच्छा रेंटल इनकम यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। और ये देखिए ये इंटीरियर आप देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों मेरा मेहनत आपको कैसा लगता है मेरे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि उनका घर लेने का सपना पूरा हो सके। और मेरा कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ के विषय में जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करूंगा अपना गोल्स अचीव करने के लिए। जो भी आपके गोल्स हैं हाउस को लेके या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी गोल्स हैं, बिल्कुल मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं बहुत अच्छा सजेशन दे सकूं। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, और ये देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्लास लगा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद।